जी हाँ नमस्कार दोस्तों, बेहद ही बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है। दरअसल बड़ी खबर के दौरान स्कूल कॉलेज के स्टूडेंटों और सरकारी कर्मचारियों से भरी एक बस के पलटने का बड़ा ही मामला देखने को मिल रहा है। इस घटना के दौरान एक स्कूल की छात्रा और बस के ड्राइवर को मौके पर मृत घोषित कर दिया गया है। दरअसल इस घटना के दौरान 20 अन्य के हालात ठीक नहीं है और यह पूरा मामला अजमेर के भीलवाड़ा मार्ग पर उंगाई से भराई के बीच हुआ है और बस कादेड़ा से केकड़ी की तरफ जा रही थी। इस बस में 35 लोग सवार थे और सोमवार सुबह बस कादेड़ा से 7:45 रवाना हुई थी और करीब 8:15 यह घटना घटित हुई है। इसमें खवास की रहने वाली निर्मला खारोल, जो कि BSTC की तैयारी कर रही है, और पीपलार के चेतन रेगर को ही मौके पर मृत घोषित किया है। इस घटना के बाद मौके पर ही अफरा तफरी का माहौल बन गया था और लोगों ने प्राइवेट वाहनों से सभी को अस्पताल भिजवाया है। बस में सवार ज्यादातर लोग रोज अप डाउन करते थे और उसमें स्कूल कॉलेज के स्टूडेंट और सरकारी कर्मचारी व मजदूर शामिल हैं। ये लोग सभी केकड़ी के रहने वाले हैं और इस घटना के दौरान पुलिस मौके पर पहुंची है और घटना के दौरान बताया कि मृतक निर्मला ननिहाल खवास में नाना किशन खारोल के पास रहती है और केकड़ी से BSTC कर रही थी। वह मूलतः रोपा पापरोली भीलवाड़ा की रहने वाली थी और वह खवास में केकड़ी से अप डाउन कर रही थी और वहीं चेतन रेगर बस का ड्राइवर बताया जा रहा है। इस घटना के दौरान पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज करते हुए मामले में जांच पड़ताल शुरू कर दी है। सो दोस्तों, बड़ी खबर थी। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करते हुए कमेंट में अपनी राय जरूर दें।